हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केटी गुड फूड। आज हम बनाएंगे छोले मसाले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने छोला लिया है, इसे मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था। और ये कुछ मसाले हैं जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, छोला मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और नमक है। और ये अदरक लहसुन है जिसको मैंने काट कर रख लिया है। और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता और लौंग है। और ये तीन कटा हुआ टमाटर है जिसको हम बाद में मिक्सर जार में पीसकर इसका प्यूरी तैयार कर लेंगे। और दो बड़ा कटा हुआ प्याज और दो हरी मिर्च है जिसको मैंने बीच से काट कर रखा हुआ है। ये मैंने मिक्सर जार में पीस लिया है टमाटर प्यूरी और अदरक लहसुन का पेस्ट। छोले बनाने के लिए यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छी तरह हीट होने के बाद हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। एक से दो सेकेंड के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को दो तीन मिनट पकाने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसे अच्छी तरह भून लेंगे एक से दो मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही साथ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। छोला मसाला है दो चम्मच। नमक, मैंने एक ही बार नमक डाल दिया है इसमें, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले आप इसमें नमक। आमचूर पाउडर, इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। दो से तीन मिनट भूनने के बाद हम इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटर प्यूरी डालकर हम मसालों के साथ इसे अच्छी तरह पका लेंगे। देखिए टमाटर अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसमें छोले डालेंगे। ये छोले को मैंने रात भर भिगो कर रख लिया था। सारे छोलों को ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक बड़ा कप पानी डालेंगे, हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं भरना है। इसे ऐसे मिक्स करके हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और इसे 8 से 9 सीटी तक
होने देंगे हम। 8 से 9 सीटी के बाद देखिए छोला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट तक और पका लेंगे। ये रेडी हो चुका है हमारा छोला मसाला। इसे आप प्लेट आउट कर लें और इसे पूड़ियों के साथ सर्व करें। तो मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।